मेरा सवाल था कि अगर किसी के माँ बाप उनके बच्चों को छोड़ के चले जाएं, मतलब दूसरी शादी करके अलग शिफ्ट हो जाएं और बच्चे अकेले रहते हैं, और वो अपना कोई प्रॉपर्टी या घर कुछ भी छोड़ के नहीं गए बच्चों के लिए, तो उसमें भाई बहन रहते हैं, तो बहन का उसके भाई पर क्या हक है जिम्मेदारी के तौर पर? देखिए, पहली बात तो जो बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत करना, उनका ख्याल रखना, उन पर खर्चा करना उसके वालिद की जिम्मेदारी है। वो चाहे दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, कहीं पर भी रहे, बच्चों का नानो नक्का देना, उनकी तरबियत करना, ये उसके वालिद का हक है। और इसी तरह से जो माँ है उस पर भी हक है कि वो बच्चों की तरबियत करे। माँ के ऊपर बच्चों का नफका वाजिब नहीं है, नफका बाप के ऊपर वाजिब है, माँ के ऊपर बच्चों की तरबियत वाजिब है। तो पहली बात तो अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब बाकी जो मसला है कि वो जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनका एक दूसरे पर क्या हक है? जाहिर है, अगर बाप खर्चा नहीं कर रहा है भाई बिल्कुल बहनों पर, तो उस बाप के बाद जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर उनका खर्चा वाजिब होगा। बाप नहीं कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, तो उनके बाद जो लोग हैं उनका खर्चा उनके ऊपर वाजिब। मान लीजिए भाई बड़ा है, भाई बड़ा है, कमा रहा है, तो अपनी बहन पर खर्चा करेगा क्योंकि बहन का वारिस बनने वाला है, तो उस पर खर्चा करेगा। अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है और बहन के पास माल है, तो भाई के ऊपर वो खर्चा करेगी। अब ये तो अलग मसला है कि भाई बहन उन लोगों की उम्र कितनी है, हम ये कैसे कह सकते हैं? अगर वो छोटे बच्चे हैं तो कैसे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? अगर उनके पास और दूसरे रिश्तेदार हैं, जैसे उनके चचा वगैरह हैं, दादा हैं, तो वो लोग उनका ख्याल रखेंगे, उन लोगों के ऊपर वाजिब है कि उनके ऊपर खर्चा करें। लेकिन पहला जो वाजिब है उनके वालिदैन पर है, बाप के ऊपर वाजिब है कि वो खर्च करे। और अगर वो नहीं कर रहा है तो उससे जबरदस्ती लिया जाएगा। बल्कि अगर वहां पर इस्लामी निजाम कायम है तो ऐसी सूरत में काजी उसका गिरीबान पकड़ करके उसे खर्चा दिलवाएगा।